दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव इंद्री में बड़ी श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहिब जी से शुरू होता हुआ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन में गतका व तलवारबाजी में जौहर दिखाए गए। नगर कीर्तन में फूलों से सजी गाड़ी में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर प्रसाद ग्रहण किया। जगह जगह पर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया गया तथा पंच प्यारों को सरोपा भेंट करके उनका आदर सत्कार किया गया। इंद्री गुरुद्वारा के ग्रंथी गुरुमुख सिंह व गुरुद्वारा सिंह सभा इंद्री के प्रधान इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह नगर कीर्तन मूलक की एकता व अखंडता के लिए निकाला गया है। गुरु गोबिंद जी ने अपने देश व कौम के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। उनके आगमन दिवस के रूप इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें पूरे हलके के सिख कौम हिस्सा लेकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा ले रहे हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे श्री गुरुद्वारा साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ प्रारंभ किए गए, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 2 जनवरी को श्री गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध रागी व दाढ़ी जत्ते एवं प्रचारक गुरु साहिब जी के जीवन इतिहास का गुणगान करेंगे। श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग 3 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा। श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग के बाद कीर्तन दरबार होगा व उसके लंगर बरताया जाएगा। इंद्र से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इंद्री शहर में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के
प्रकाश दिवस को सामने रखते हुए प्रकाश दिवस की खुशी में ये 56 साल से जो साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह सरबंसदानी अमृत के दाते उनका प्रकाश दिवस मनाया जाता है, इस साल भी नगर कीर्तन इष्ट में जारी है और कल को रात को दीवान होगा, परसों को सुबह श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग पड़ेगा, उसके बाद गुरु का लंगर अतुट वर्तेगा और साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी का सबको यही संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मानवता का एक संदेश उन्होंने दिया है, हिंदू तुर्क राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान वो अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो गुप्तिया कौन भले को मंदे। हमारी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है और साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी का सबको यही संदेश है कि हम मानवता के प्रतीक सब एक समान मिलजुल के रहें, आपके जो मतभेद हैं उनके मार्ग पर चल के साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी मार्ग पर चल के उनको ख़त्म करके आपस में सब एक पिता एक उसके हम बारिक मिल मिलकर सब में आपस में एकता का प्रतीक ये गुरुपर्व हमको यही सिखाता है। और आज हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दास इंद्री गुरुद्वारा सिंह सभा का ग्रंथी सबको नवे साल की और साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी के गुरुपर्व की प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई देता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रगटो मर्द अगमरा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगुवाई में अज इंद्री नगर दिया नेड़े तेड़े सारे इलाके दिया संगत धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते नगर कीर्तन के रूप में अज गुरु घर दिया खुशियां प्राप्त कर रही ने। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जिन्ह ने हिंदू की चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी कुर्बानी दे के हिंदुस्तान की रक्षा की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चार साहबजादे अपनी कुर्बानियाँ माता जी की कुर्बानियाँ सारा सरबंस हिंदुस्तान की आन बान और शान वास्ते कुर्बान कर दिता। अज इंद्री दियां संगतां दूरों नेड़े सारे नगर दी संगतां बड़ी धूमधाम के नाल नगर कीर्तन के रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रही ने। वाहिगुरु सब दे उत्ते चढ़दियां कला रखे मेहर करे। इस तरह सारी संगतां धूमधाम नाल गुरु की शरदा दे नाल नगर कीर्तन इस तरह ही अगों ही मनांदियां रहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।